सब्सक्राइब करें शुभम लेक्चरर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी में संदर्भ लिखने का सबसे सही तरीका। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है कि संदर्भ सहित आप व्याख्या कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखने का सही तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से संदर्भ लिखें कि आपको एग्जामिनर जो है पूरे के पूरे मार्क दे। ठीक है, तो संदर्भ लिखना आप लोग इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो देखिए, आपको जैसे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, यहां पर मैंने एक अदर पैराग्राफ लिया हुआ है, आप लोग देखिए जल्दी से। भूमिका निर्माण, ठीक है, और डैश 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 करके हमने आवश्यक धर्म लिखा है, अर्थात ये एक पैराग्राफ है और हमसे जो है पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी संदर्भ सहित आप व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर आप इसके पाठ एवं लेखक का नाम, पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो कैसे आप लोग संदर्भ में उसे लिखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मान लीजिए ये एक पैराग्राफ है, ये एक गद्य का पैराग्राफ है। ठीक है, आप इसको अगर संदर्भ लिखना है तो आप गद्य में हो या पद्य में, ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए किस प्रकार से आप लोग लिखिए, प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश, हमारी, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा, पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। जैसे इस पैराग्राफ को आपको संदर्भ लिखना है तो इस प्रकार से लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी, पाठ्य पुस्तक। तो ये गद्य है तो हम यहां पर लिख देते हैं के गद्य भाग। ठीक है, इसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क देगा। तो के गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, संकलित का मतलब उसमें समाहित है, गद्य भाग से ये है। ठीक है, में संकलित, ठीक है, एवं देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार, आप लोग जो इसके लेखक हैं उनके कुछ गुणों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एवं प्रसिद्ध साहित्यकार, तो आप लोग यहां पर लिखिए प्रसिद्ध साहित्यकार। अब आप लोगों को बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है जिस लेसन का, आपको उनका नाम लिखना है, उस लेखक का नाम लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं आपको वही लिखना है। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण। ठीक है, तो हमने इनका एग्जाम्पल लिया है वासुदेव शरण का। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दूसरा पैराग्राफ दिया गया है किसी दूसरे लेखक का की रचना दी गई है तो आप लोग उनका नाम लिखिएगा। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो मैंने इनका लिया है। ठीक है, तो आप लोग के पैराग्राफ में जिस लेखक की रचना होगी उस लेखक का आप नाम लिखेंगे, और ये जो मैंने आगे उनका गुण लिखा है प्रसिद्ध साहित्यकार, तो जो लेखक हैं उनका अगर कोई दूसरा गुण होगा तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, हमारी, पाठ्य पुस्तक, हिंदी गद्य के गद्य भाग में संकलित एवं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, लिखित। अब आप लोग पाठ का नाम लिखिए, तो पाठ का नाम भी काले पेन से लिखिए, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र का स्वरूप इस पाठ का नाम है, तो मैंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा। अगर कोई दूसरा पाठ है स्टूडेंट तो आप उस पाठ का नाम लिखिएगा। ठीक है, द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक, ठीक है, निबंध से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है, या फिर आप लिख सकते हैं अवतरित है, निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका एक परफेक्ट संदर्भ। अगर आप लोग इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे तो आपका नंबर मेरी आशा है कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए संदर्भ किस प्रकार से लिखते हैं, इसमें दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, उसे मत भूलेगा, एक पाठ का नाम, एक लेखक का नाम। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश, अगर ये आपका गद्यांश है, ठीक है, तो आप लोग गद्यांश लिख सकते हैं, अगर पद्यांश है तो आप लोग पद्यांश लिख सकते हैं। ठीक है, पंक्ति लिख सकते हैं। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश, हमारी, पाठ्य पुस्तक,
के गद्य भाग में संकलित, अगर आपके पद्य भाग में है तो आप लोग पद्य भाग को भी लिख सकते हैं, में संकलित एवं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। इस तरह बच्चों आप किसी भी संदर्भ को आसानी से लिख सकते हैं, किसी भी लेखक का किसी भी रचना हो आप लोग यहाँ पर उनको बदल कर लिख सकते हैं। अब आप इसको बच्चों अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन कर देंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, पटरी से आप लोग कीजिएगा ताकि और अच्छा दिखे और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छा मार्क दे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से लिखा जाता है संदर्भ। आई होप कि आपको संदर्भ लिखना सीख गए होंगे, आप कि किस प्रकार से लिखें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट संदर्भ लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे पास, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही, संदर्भ लिखना सीख गए होंगे, थैंक यू।